नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में सुजलोन एनर्जी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सुजलोन ने अपने Q4 के नंबर्स, जो सुजलोन के Q4 के नंबर्स हैं वो डिक्लेयर हुए और नंबर से पहले 5% की गिरावट की क्लोजिंग, ये काफी निगेटिव माना जाता है। लेकिन एक बार इसके नंबर्स को देखें कि एक्चुअल क्या नंबर्स रहे और आगे के क्या ट्रेंड दिखेंगे। यहां देखें तो कंपनी ने अपने Q4 के नंबर्स को डिक्लेयर कर दिया है। थोड़ा मैं इस नंबर को बड़ा कर दूंगा जिससे कि आप थोड़ा सिंपली समझ पाए। यहाँ कंपनी का जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन रहा है, यहाँ देखेंगे थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो जो कंपनी के रेवेन्यू रहे हैं वो हाईएस्ट एवर रहा है। यहाँ देखेंगे तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़े रहे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी नंबर्स देखेंगे तो बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके अलावे जो कंपनी की नेट प्रॉफिट रही है, यहां अगर मैं आपको इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को दिखाऊं तो यहां आप पाएंगे कि कंपनी ने 254 करोड़ का प्रॉफिट, यहां देखेंगे तो 254 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर करे, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते दिखे लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े वीक नंबर रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाईएस्ट एवर कंपनी के यहां देखेंगे तो ईपीएस भी आते हुए दिखा है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस के कंपैरेटिवली, और मुझे लगता है कि ये काफी फेवरेबल नंबर रहे। इसको थोड़ा मैं आपको अगर सिंपली यहाँ पे दिखाऊं, हाँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको 10% डाउन दिख रहा है, क्योंकि पहले 278 करोड़ के थे लेकिन यहाँ 254 करोड़ के ही नंबर्स दिए। यही अगर आप क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर अगर आप नंबर्स देखें, जो ये तो कंपनी की प्रॉफिट रही, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी के नंबर्स लगभग लगभग 20% क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते दिखा। इसके अलावा रेवेन्यू देखेंगे तो 30% रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रेवेन्यू रहा वो 30%, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस के रेवेन्यू को देखेंगे तो आप पाएंगे कि नियर अराउंड 38-40% के क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू बढ़े, इबिटा भी बढ़े, मार्जिन भी बढ़ते दिखे, तो ये नंबर्स काफी बेटर रहा। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की क्यों कम हुई, यहाँ देखेंगे आखिर बेटर क्वार्टरली नंबर्स या फिर बेटर बेटर रेवेन्यू के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्यों कमा, क्यों 254 करोड़ के ही प्रॉफिट रहे। इसका जो सबसे बड़ा कंसर्न रहा है वो कंपनी के थोड़े बहुत जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखे। इसके अलावे देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर, हाँ वही जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो काफी बढ़ते हुए दिखे हैं। इसका कारण रहा जो रॉ मटेरियल्स रहे, जो एम्प्लॉय कॉस्ट रहा, ये सब थोड़ा बहुत देखेंगे तो बढ़ते हुए दिखा है, जिस कारण से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी जो है वो घटते हुए दिखी है। उसके बाद कंपनी के थोड़ा डेफर्ड टैक्स भी देखेंगे तो वो हाईएस्ट एवर रहा है, तो मुझे ये बड़ा कंसर्न नहीं दिखता और मुझे लगता है कि ये बड़े नंबर्स रहे। कल कंपनी ने 10 करोड़ 92 लाख शेयर ईशॉप के थ्रू अपने एम्प्लॉय को अलॉट करा है। आज का वॉल्यूम 5 करोड़ के आसपास का है और ये एक ऐसा लेवल है जिसको कंपनी इससे पहले भी इसी लेवल से, हमने क्या कहा था कि मेजर रेजिस्टेंस जोन 50-52 है। एक बार 52 का लेवल का ब्रेकआउट हुआ फिर आप यहां से भी 100% गेन करेंगे, तो ये एक लास्ट मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है। अगर ये स्टॉक 38-44 के बीच में मिले तो अपॉर्चुनिटी लेंगे, 34 के नीचे की वीकनेस होगी और यहां से स्टॉक में 50-72 और 100 जैसे लेवल्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओवरऑल मेरे व्यूज स्ट्रांग है और ये डीप एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है।